हूं तुषार और आप देख रहे हैं खबर 100। आइए रुख करते हैं आज की खबरों की ओर, पर उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। दिग्विजय सिंह के खिलाफ भाजपा ने की शिकायत, दिग्विजय सिंह ने जारी किया भाजपा का गद्दार रेड कार्ड। भाजपा ने कमलनाथ को कहा बेटी का दुश्मन। हाईकोर्ट के आदेश के बाद कई दिग्गज नेताओं पर FIR। पत्रकार, मीडिया, इनका समाज में क्या काम होता है? जनता की दबी हुई, पीड़ित हुई, छुपी हुई, दबाई हुई आवाज को बुलंद करना, इतना बुलंद करना कि अगर कोई बहरा भी हो या गहरी नींद में भी सोया हो तो उसे झकझोर कर जगा दे, यही काम होता है मीडिया का। और हम खबर के असर पर ऐसे ही कई मुद्दों पर बात भी करते हैं जिसमें किसी खबर का इतना असर हुआ हो कि आखिरकार शासन प्रशासन उस मुद्दे पर एक्शन लेने पर मजबूर हो गया हो। तो हम इसी की बात कर रहे हैं कि खबर 100 की टीम ने अपने विशेष संवाददाता मयंक गुर्जर की खास रिपोर्ट दिखाई थी, जिसमें हमने बताया था कि बड़नगर थाना महिला प्रभारी अर्चना नागर के लेन देन का एक ऑडियो वायरल हो रहा था। उसी के आधार पर फरियादी ने अर्चना नागर पर आरोप लगाया कि वो उससे उसकी ही गाड़ी देने के लिए 50,000 रुपए की मांग कर रही है। इस बारे में हमने अर्चना नागर से भी बात की थी, तब उन्होंने इस आरोप को बेबुनियाद बताते हुए कहा कि आरोप तो कोई भी लगा सकता है, लेकिन यह खबर सभी पक्षों को सामने रख खबर 100 ने प्रमुखता से चलाई थी, जिसके चलते इस मामले ने एक नया मोड़ ले लिया है। बता दें कि खबर 100 के इस खबर को प्रकाश में लाने के बाद SP मनोज कुमार सिंह ने बड़नगर थाना प्रभारी अर्चना नागर के साथ इस मामले में उप निरीक्षक जीवन डिंडोरे को भी लाइन अटैच किया है। साथ ही SP मनोज कुमार सिंह ने कहा कि आरोपियों को बख्शा नहीं जाएगा। बता दें कि इस मामले की जांच एडिशनल SP ग्रामीण आकाश भूरिया कर रहे हैं। सत्यता की जांच करा रहे हैं, मेरे संज्ञान में आया है, मैं जस्ट बोला एडिशनल भी ग्रामीण को बोला है, सत्यता की जांच करा रहे हैं, किसी भी गलती को माफ करने वाले नहीं। सत्यता की जांच करा रहे हैं, मेरे संज्ञान में आया है, मैं जस्ट बोला एडिशनल भी ग्रामीण को बोला है, सत्यता की जांच करा रहे हैं, किसी भी गलती को माफ करने वाले। आवाज उठाने का असर होता है, पर शर्त है कि आवाज सही वजन के साथ उठाई जाए। ऐसे ही कई मुद्दे हैं जिन पर आवाज उठाने की जरूरत अभी भी है। खबर 100 आपसे वादा करता है कि खबर 100 लगातार आपकी आवाज बुलंद करता रहेगा और सोए बेहोश पड़ी व्यवस्थाओं को जगाने के लिए हमेशा आपकी आवाज को बुलंद करता रहेगा। भाजपा ने नवरात्रि की शुरुआत के साथ एक नया अभियान शुरू किया है जिसके अंदर कमलनाथ पर बेटियों के दुश्मन होने के आरोप लगाए जा रहे हैं। बता दें यह अभियान ट्विटर पर भी काफी ट्रेंड कर रहा है। इस अभियान के तहत कुछ वीडियो भी बनाए गए हैं जिसमें कमलनाथ पर सीधा हमला किया गया है। मध्य प्रदेश में होने वाले 28 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव में पोस्टर वॉर जारी है। यह वह 28 सीटें हैं जिन पर उपचुनाव होना है। बता दें कि 22 कांग्रेस विधायकों ने कांग्रेस छोड़ भाजपा की सदस्यता ग्रहण की थी, जिसके कारण कमलनाथ की सरकार गिर गई थी। इसी के चलते मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने भाजपा का गद्दार रेट जारी किया है, जिसमें उम्मीदवारों का रेट 35 करोड़ लिखा हुआ है। साथ ही दिग्विजय सिंह ने फेसबुक पर लिखा कि लोकतंत्र के बही खाते में जो लोग कांग्रेस से गद्दारी कर 35-35 करोड़ में बिके हैं, उन्हें उन लोगों को हिस्सा देना चाहिए जिन्होंने उन्हें वोट दिया था। हाल ही में मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने भाजपा का गद्दार कार्ड जारी किया है, जिसमें उन्होंने विधायकों की कीमत 35 करोड़ रुपए लिखी थी। साथ ही सोशल मीडिया पर BJP के चिन्ह को भी उल्टा करके डाला गया था, जिसके चलते भाजपा ने भोपाल क्राइम ब्रांच में दिग्विजय सिंह के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई है। रमेश भाई, अभी उन्होंने कहा है कि मैं मैनेजमेंट का काम देखूंगा, जो पहले भी कहते थे कि मैनेजमेंट से चुनाव जीते जाते हैं। जनता ने उनको घर बैठा दिया, कांग्रेस पार्टी ने घर बैठा दिया। अब वो ऐसी तरीके की जो वारदातें कर रहे हैं, ऐसे काम कर रहे हैं। अभी उन्होंने जो आज अपने पर्सनल ट्विटर हैंडल से एक गद्दार रिपोर्ट कार्ड करके उन सम्मानित जनप्रतिनिधियों के खिलाफ जो भारतीय जनता पार्टी के चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ रहे हैं, ऐसे 28 में से 25
प्रत्याशियों के खिलाफ उन्होंने गद्दार रिपोर्ट कार्ड करके उसमें 35-35 करोड़ रुपए लेना दर्शाया है, ये कह करके उन्होंने मध्य प्रदेश की जनता और वहाँ की स्थानीय जनता को भरमाने का, उनको भ्रमित करने का काम किया है। साथ ही साथ उन्होंने एक बड़ा अपराध ये भी किया है कि उसी में उस रिपोर्ट कार्ड में ही भारतीय जनता पार्टी के जो प्रतीक है, हमारा चुनाव चिन्ह कमल का फूल है, उसको उल्टा करके अपमान करने का काम भी किया है। इसलिए हमने निर्वाचन आयोग को तो अपनी शिकायत दी है, साथ ही हमने साइबर क्राइम के माध्यम से भी उसमें कठोर कार्रवाई हो और साथ ही ट्विटर हैंडल उनका ब्लॉक होना चाहिए, बंद होना चाहिए। और हम पार्टी भी अपनी तरफ से, चूंकि पार्टी के प्रतीक के साथ छेड़छाड़ की गई है, हम मानहानि का मुकदमा लगाएंगे। हमारे प्रत्याशी भी अपनी अपनी जगह पर और मानहानि का मुकदमा लगा करके, और ऐसे व्यक्ति को जो मध्य प्रदेश में हमेशा यहाँ की जनता को यहाँ भ्रमित करने का काम करते हैं, मैनेजमेंट के माध्यम से जो काम करने का प्रयास करते हैं, उन्होंने मैनेजमेंट के करने के लिए बैठा हूँ, मुझे मालूम है वो अपना काम तो कर नहीं सकते, मुद्दों पर चुनाव नहीं लड़ सकते, इस तरीके से एक गंदी राजनीति करने का काम दिग्विजय सिंह जी कर रहे हैं, इसलिए हमने उनकी शिकायत साइबर क्राइम में की। कोविड-19 महामारी के दौरान भी राजनीतिक दल अपनी मनमानी करने से बाज नहीं आ रहे हैं। पुलिस और प्रशासन को की गई तमाम सारी शिकायतों के बाद भी कोई कार्यवाही नहीं हो पा रही है, तो एक जनहित याचिका के बाद हाईकोर्ट ने संज्ञान लेकर राजनीतिक समारोह के आयोजनकर्ता और जिम्मेदार नेताओं पर FIR करने के आदेश दिए हैं। जिला कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह द्वारा हाईकोर्ट के आदेश के पालन में पुलिस अधीक्षक को दिए निर्देश के बाद पुलिस ने विभिन्न प्रत्याशियों के खिलाफ 3 थानों में FIR दर्ज की है, जिनमें ग्वालियर पूर्व के प्रत्याशी भाजपा मुन्नालाल गोयल, कांग्रेस प्रत्याशी सतीश सिकरवार और पूर्व मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर उनके समर्थन भी शामिल है। ये माननीय उच्च न्यायालय ग्वालियर खंडपीठ के निर्देशानुसार कलेक्टर ग्वालियर की तरफ से एक पत्र कल प्राप्त हुआ था, जिसमें विभिन्न राजनीतिक दलों द्वारा जो उपचुनाव हो रहा है उसमें जहां पे कोविड गाइडलाइन का उल्लंघन किया था, विशेषकर 3 अक्टूबर से लेके और 8 अक्टूबर के मध्य ऐसी 5 घटनाओं का उल्लेख करते हुए कलेक्टर ग्वालियर का पत्र कार्यालय में प्राप्त हुआ था, जिसपे से थानों को निर्देशित किया गया शहर के 5 थानों में विभिन्न राजनीतिक दल के प्रत्याशियों और उनके समर्थकों पर कुल 5 FIR दर्ज की गई हैं, जो कि भारतीय दंड विधान और आपदा प्रबंधन अधिनियम के अंतर्गत दर्ज की गई। उन्होंने कहा कि नियम सबके लिए बराबर है और कोविड का पालन उनको हर हालत में करना पड़ेगा, जो गाइडलाइन है उसका पालन उनको हर हालत में करना पड़ेगा, चाहे वो किसी भी राजनीतिक पार्टी से हो, कोई भी व्यक्ति विशेष हो, उन सबको पालन करना आवश्यक रहेगा कोविड की गाइडलाइन का। हाल ही में कांग्रेस ने उपचुनाव के चलते अपना घोषणा पत्र जारी किया है, जिसके चलते भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष VD शर्मा का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा कि कांग्रेस के वचन पत्र में दिख रहा है कि कमलनाथ को शिवराज से डर लग रहा है। साथ ही VD शर्मा ने पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ पर आरोप लगाते हुए कहा कि कमलनाथ ने झूठे सर्टिफिकेट बांटे थे। खून चूस करके आप इतने बड़े बन गए और केवल छिंदवाड़ा के विकास की चिंता करके आपने पूरे मध्य प्रदेश के साथ छल किया है, पूरे मध्य प्रदेश को आपने धोखा दिया है। ग्वालियर चंबल अंचल के अंदर जो विकास शिवराज सिंह चौहान और भारतीय जनता पार्टी की सरकार, नरेंद्र मोदी और नितिन गडकरी कर रहे थे, आपने उन विकास के कामों को भी अवरुद्ध और रोक दिया। इसलिए ग्वालियर चंबल के अंचल की जनता भी और संपूर्ण मध्य प्रदेश की जनता इन 28 विधानसभाओं में आपसे पूछ रही है कि आपने मध्य प्रदेश का छल क्यों किया। आप कहते हैं कि मेरा कसूर क्या है, अभी माननीय मुख्यमंत्री जी बताएंगे आपका कसूर क्या है, लेकिन मैं इस बात को बहुत गंभीरता से कह रहा हूं कि यह जो मुद्दा है, जिन्होंने भूखे और नंगे की बात की है, हाँ हम हैं भूखे और नंगे, लेकिन गरीबों के लिए काम करने वाले 24 घंटे हमारा गरीब का नेतृत्व शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में गरीब किसान का बेटा उनके लिए काम करता है। आपने उन योजनाओं को छीन लिया जिन योजनाओं से गरीबों का हृदय जीतने का काम भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार में शिवराज सिंह चौहान ने किया था। शारदीय नवरात्र का अवसर देवी की आराधना, उपासना, गरबा, नृत्य आदि और मेले और हर्षोल्लास के साथ मनाया जाने वाला त्योहार है, लेकिन वर्तमान समय में हमारा देश कोरोना महामारी से जूझ रहा है। इसी के चलते राज्य शासन के निर्देशानुसार मनावर पुलिस ने नियम और कानून का पालन करते हुए हर सिद्धि मंदिर सिंघाना निरीक्षण किया है, साथ ही प्रशासन की तरफ से
हिदायत दी गई है कि इस बार मेले का आयोजन नहीं किया जाएगा और कोई भी उत्सव आयोजन नहीं मनाया जाएगा। हरचिंती माता मंदिर सिंघाना में प्राचीन मंदिर है, यहाँ पर हर वर्ष कार्यक्रम होते थे, किंतु इस वर्ष COVID-19 के कारण जो शासन के दिशा निर्देश हैं उसके अनुरूप यहाँ पे व्यवस्था की जाएगी, जिसमें किसी तरह के सार्वजनिक गरबा और अन्य मेला वगैरह कार्यक्रम होते वो आयोजित नहीं होंगे और जो शासन के निर्देश हैं उनका पालन कराते हुए यहाँ व्यवस्था की जाएगी। हाल ही में कांग्रेस प्रवक्ता अजय सिंह यादव ने एक बयान जारी किया है जिसमें उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश के विधानसभा उपचुनाव में प्रदेश की जनता के सामने स्पष्ट विकल्प है। एक तरफ कमलनाथ जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी, जिसने अपने 15 महीने के कार्यकाल का लेखा जोखा 70% से ज्यादा वायदे पूरे किए हैं, और वहीं पर भारतीय जनता पार्टी है जो ना 15 साल का हिसाब देना चाहती है और ना ही 6 महीनों का। मध्य प्रदेश के विधानसभा उपचुनाव में प्रदेश की जनता के सामने स्पष्ट विकल्प है। एक तरफ कमलनाथ जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी, जिसने अपने 15 महीने का लेखा जोखा सामने रखा, हमने अपनी सरकार के 70% से ज़्यादा वायदे पूरे किए और वचन पत्र के माध्यम से जनता के सामने प्रस्तुत कर दिए, और साथ ही आगामी 3 सालों के लिए कार्य योजना वचन पत्र के रूप में भी जनता के सामने रखी है। दूसरी तरफ वो जुमलेबाज पार्टी भारतीय जनता पार्टी, जो ना 15 साल का हिसाब देना चाहती है, ना 6 महीने का हिसाब देना चाहती है, और ना ही आगे के लिए कोई कार्य योजना है। केवल प्रदेश की सत्ता भ्रष्टाचार, माफिया राज, प्रदेश की जनता को लूटने और भय का माहौल बनाने के लिए सत्ता में बने रहना चाहते हैं। जनता के पास स्पष्ट विकल्प है। प्रदेश की सभी 28 सीटों में कमलनाथ जी के नेतृत्व में कांग्रेस की विजय होगी और फिर से मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी की सरकार बनेगी। ग्वालियर के निम्बालकर की गोट हुजरात पुल के नजदीक एक सार्वजनिक मंदिर का रास्ता बंद करने को लेकर स्थानीय लोगों ने हंगामा खड़ा कर दिया। ये लोग हुजरात पुल से कंपू जाने वाले रास्ते पर कुछ देर के लिए जाम करके बैठे रहे। घटना की जानकारी मिलते ही कंपू थाना पुलिस मौके पर पहुंची। मंदिर की देखरेख करने वाले मोहन पवार के मकान का ताला तोड़कर रास्ता खुलवाया गया। पुलिस ने फिलहाल मोहन पवार और एक अन्य व्यक्ति को पूछताछ के लिए अपने हिरासत में लिया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि पुलिस से मिलकर मंदिर पर अवैध रूप से कब्जा किया जा रहा है, जबकि मंदिर सरकारी भूमि पर निर्मित है। हरदोल बाबा या कुंवर बाबा, जिनका जो स्थान था उसमें दीवार जो है उन्होंने बना रखी है। दूसरे पक्ष को ऑब्जेक्शन था कि दर्शन करने के लिए रास्ता रोका जा रहा है। इस संबंध में दूसरे पक्ष को मैंने समझा दी, माननीय न्यायालय का स्टे आप लाइए। उन्होंने कल स्टे ला करके दिया। तहसीलदार मैडम शाह उपस्थित हुई और तहसील की तरफ से जो स्टे की कंप्लाइंस कराई गई। अब जो दीवार बनी है उसके बारे में अभी विचार करते हैं। दूसरे पक्ष को ले जा रहे हैं, जिन दीवार बनाई तो तत्काल निराकरण कर लें। समाजसेवियों ने यहाँ पर चक्का जाम भी किया। नहीं, ये चक्का जाम तो धार्मिक प्रवृत्ति का मैया बैठी हैं, तो वैसे ही अपने बैठे उनको समझा दिया जाएगा। कोई बड़ी बात नहीं है, उनने अपनी बात रखी और उनके सामने ले जा रहे हैं, निराकरण हो गया इस चीज़ का। ये मैम, यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ पर पूजनीय मंदिर, पुराना मंदिर है, प्राचीन मंदिर है। यहाँ पर कुछ दमंग लोगों ने मंदिर पर कब्जा कर रखा है और कल पुलिस प्रशासन के सामने खड़े हुए ये मंदिर की बाउंड्री बनाई है। घटना ये है कि ये मंदिर को हटाकर बेच रहे हैं। आप पूजा करने गए थे, आज क्या हुआ आपको? पूजा करने गेट बंद है, कोई गेट ही नहीं खोल रहा, और गाली गुप्ता कर रहे हैं। उमरिया जिले के विश्वविख्यात बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के धमोकर रेंज के पारसी बीट के कक्ष क्रमांक 145 RF में राज बहरा वाली के नाम से विख्यात बाघिन टी 4216 और उनके शावक की संदिग्ध परिस्थिति में मौत हुई है। अभी भी 3 शावक लापता है। इस मामले का कवरेज करने पर जब मीडिया घटनास्थल पर पहुंची तो पार्क प्रबंधक ने मीडिया के ऊपर का आदेश बताकर कवरेज करने से रोक दिया। काफी जद्दोजहद के बाद जब टाइगर रिजर्व के संचालक विंसेंट रहीम से बात की गई तो उनके द्वारा अपनी कमियों को छिपाते हुए बात करते हुए वे दिखाई दिए। ये धमोखर परिक्षेत्र के परासी बीट के कंपार्टमेंट नंबर 145 है, ये संरक्षित वन क्षेत्र है, और यहाँ पिछले कुछ दिनों से एक टाइग्रस और उसके कब्स की मूवमेंट थी और ये बार बार गांव के समीप आ रहे थे।
तो हम लोगों ने पिछले 3-4 दिनों से लगातार इस क्षेत्र में सर्चिंग करवा रहे थे और 2 दिनों से हम लोगों ने इसकी सघन सर्चिंग शुरू करी हाथियों को लगवा के, क्योंकि बाघों की मूवमेंट थी। ये सभी बाघ जो थे, कभी मादा बाघ दिखती थी, कभी इसके बच्चे अलग अलग दिखते थे। हम लोगों का प्रयास ये था कि इनको हम लोग हाथियों के माध्यम से कूर की ओर ले जाने में सफल हो जाएं, क्योंकि ये गांव के पास आके और मवेशियों के किल वगैरह कर रहे थे पिछले दिनों में। इसी तारतम्य में पिछले 2-3 दिनों से जो सर्चिंग चल रही थी हमारी हाथियों के बदौलत, 8 हाथी इसमें लगाए गए थे। तो रात तक हमारे परिक्षेत्र अधिकारी और सभी लोग मौके पर थे। आज सुबह भी इसी जब सर्चिंग शुरू हुई तो लगभग 9:30 के आसपास परिक्षेत्र अधिकारी ताला ने सूचना दी कि एक शव मिला है जो 2-3 दिन पुराना लग रहा है बाघ का। तो ये सूचना जब हम लोगों को प्राप्त हुई तो हम लोगों ने निर्देशित किया कि सभी क्षेत्र को उसको कॉर्डन ऑफ करके और आसपास के क्षेत्रों की पूरी तरह से सर्चिंग, सघन सर्चिंग की जाए, जिससे किसी भी प्रकार के यदि साक्ष्य मिलते हैं उनको एकत्रित किया जाए। तो उस सर्चिंग के दौरान फिर से जब सघन सर्चिंग शुरू की गई हाथियों के माध्यम से, तो लगभग 200 मीटर दूर पर एक और मादा बाघ जो लगभग 2 वर्ष की आयु उसकी रही होगी, उसका शव मिला जो लगभग ताज़ा था। मतलब ऐसा हम लोगों का अनुमान है कि सुबह के 3-4 बजे या उसके आसपास उसकी मृत्यु हुई होगी। प्रथम दृष्टि सर देखने में क्या लग रहा है? अभी हम लोगों ने इसका मेटल डिटेक्टर से जांच की है और अंदर कोई मेटल डिटेक्टर से कोई साउंड नहीं आई, तो ऐसा मतलब बंदूक के द्वारा मारा जाने से संबंधित। उमरिया जिले के ख्याति प्राप्त शक्तिपीठ मां ज्वाला धाम में जिले के कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव अपने धर्मपत्नी के साथ पहुंचे, जहां उन्होंने माता रानी की विधित पूजन अर्चना कर आशीर्वाद लिए, साथ ही मंदिर प्रांगण में नवरात्र पर्व का जायजा लिया। इस दौरान कलेक्टर ने मंदिर के प्रसादालय का अवलोकन कर खुद अपने हाथ से श्रद्धालुओं के लिए सब्जी पकाई और पुण्य लाभ अर्जित किया। माँ उचारा धाम जिला उमरिया में स्थित है। यह एक शक्तिपीठ है और यहाँ साल में 2 बार शरदी नवरात्रि और चैत का नवरात्रि का त्यौहार मनाया जाता है। यहाँ से श्रद्धालु, यहाँ दूर दूर से लोग आते हैं और यहाँ जो भी श्रद्धालुगण आते हैं उनकी मनोकामना पूर्ण होती है और यहाँ जो भी शासन के तरफ से जो भी सुविधाएँ रहती हैं पूर्ण रूप से संचालित रहती हैं और जो भी कमियां होती हैं उनको पूर्ण रूप से पूर्ण किया जाता है। हजरत हाजी व गाजी रहमत तुल्लेह अलेह का सालाना उर्स पाली नगर में पूरे जोश और जुनून के साथ मनाया गया। इस दौरान बाबा के दरगाह में गुशल संदल व चादर पोशी की गई, जिसमें सैकड़ों जायरीनों ने अपनी अर्जी लगाते हुए बाबा से खतरनाक बीमारी कोरोना को मुल्क से जल्द खत्म करने की दुआ की। गौरतलब है कि कोरोना काल के दौरान भव्य जुलूस नहीं निकाला गया, लेकिन दरगाह शरीफ में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर दुआएं मांगी गई। बस आपके 6वें उर्स पाक पर सबसे पहले मैं सभी जायरीनों का दिली मुबारकबाद पेश करता हूं और उर्स की तैयारियों को देखते हुए बड़ी सावधानी के साथ, सोशल डिस्टेंसिंग के साथ और गवर्नमेंट की गाइडलाइन का पालन करते हुए आज ये उर्स पाक मनाया जा रहा है, जिसमें सभी धर्मों के लोगों ने शिरकत की और एक साथ दुआएं मांगी गई कि ये बाबा साहब इस महामारी से हमको निजात दिलाना और सब लोग खुशहाल रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। शुक्रिया। हाथ पैर सर छुपा करके, किसी तरीके से भीड़ भाड़ ना करके, परेशानी दूर करके, किसी तरीके से चंद लोग मिल करके उर्स शरीफ की हाजिरी में शिरकत फरमाए हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर अनलॉक 5 में 19 अक्टूबर से कक्षा 9 से 12वीं तक के स्कूल खुलने जा रहे हैं, जिसको लेकर हापुड़ के कॉलेजों में तैयारियां चल रही है। सोमवार को हापुड़ में कक्षा 9 से कक्षा 12वीं तक के स्कूल 2 पालियों में खोले जाएंगे। प्रत्येक पाली 2.5-2.5 घंटे की होगी। हापुड़ के AKP इंटर कॉलेज की प्रधानाचार्य अर्चना गौतम ने बताया, जो शासन की गाइडलाइन है उसका हम पालन कराते हुए स्कूलों को खोलेंगे और उसकी पूरी तैयारी की जा रही है।
जैसे शासन के आदेश अनुसार जो सुनने के हमें स्पाइसेस की हमारी खुलेंगे, तो उसके लिए हमें पूरी व्यवस्था अपनी तरफ से कोशिश पूरी कर रहे हैं कि हम पूरे 100% दें। उसके लिए हमने स्कूल को सैनिटाइज करने के लिए हाइड्रोक्लोरिक मंगा लिया है, थर्मल स्कैनर मंगाए हुए हैं और ऑक्सीमीटर मंगाए हुए हैं और सैनिटाइजर मंगाए हुए हैं। और जैसे शौचालय है, शौचालय को स्वच्छ रखना है, साफ सुथरा रखना है, तो वहाँ पर भी हमने साबुन की टिक्की वहाँ पर ला के रख दी गई है। और अपने जितने भी फर्स्ट क्लास वाले हैं उनको ये इंस्ट्रक्शन दे दिया है कि आपको टॉयलेट को 2 बार उनको वॉश करने ही करना है। जैसे बच्चा जाएगा आप वहाँ पर पानी डालेंगे, जैसे कि किसी दूसरे बच्चे को बीमारी। प्रदेश में 28 विधानसभा में होने वाले उपचुनाव के लिए शुक्रवार को बदनावर विधानसभा के भाजपा प्रत्याशी राजवर्धन सिंह दत्तीगांव ने प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा और केंद्रीय मंत्री पी रूपाला की मौजूदगी में अपना निर्वाचन फॉर्म भरा। इसके बाद बस स्टैंड पर एक सभा का आयोजन किया गया। सभा में सैकड़ों कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कहा कि प्रदेश की बेटियों के हाथ पीले करने के लिए लाडली लक्ष्मी योजना की शुरुआत शिवराज सरकार ने की थी। साथ ही कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए कहा कि कमलनाथ गरीबों के करोड़ों रुपए खा गए, ये चुनाव मध्य प्रदेश को बचाने के लिए हो रहा है। बता दें, सभा को केंद्रीय मंत्री पी रूपाला, पूर्व मंत्री रंजना बघेल, भाजपा प्रत्याशी राजवर्धन सिंह दत्तीगांव सहित कई भाजपा नेताओं ने संबोधित किया। अभी के लिए केवल इतना ही, बाकी ताजा खबरों के लिए जुड़े रहिए खबर 100 के साथ जनता की बुलंद आवाज़।